और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय प्राची अपना हिसाब करती हुई नजर आ रही है रणवीर से। रणवीर से बोल रही है कि तुमने ये बताओ मेरे साथ में क्या कुछ नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ा था और तुमने अपने घर वालों के सामने सपोर्ट किया, ना कि मेरे को सपोर्ट किया। तुम्हारी बदौलत मेरी बच्ची कितने दिन जो कि जुदा रही थी मेरे से। आप लोग जानते हैं कि लगातार एक से बढ़कर एक नई नई चीज़ भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई टू कहानी में लगातार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन इस समय कुछ अलग ही तरीका की चल रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर बात की जाए प्राची की, तो प्राची से रणवीर ने बोल दिया है कि तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं था, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। मैंने रिया के हज़ार बार जो उसने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने हज़ार बार मना की थी ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अंत में तुमने अक्षय के साथ में शादी कर ही ली, क्योंकि तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिखाया। तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ दिन नहीं देखा। आप लोग जानते हैं कि समय बेहद गंदे अनुभव के साथ में गुजरता हुआ नज़र आ रहा है आखिरकार रणबीर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रणबीर और प्राची की जर्नी इस समय किस मोड पर ले आई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट लगातार बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सभी लोग हैरान और परेशान हैं रणबीर और प्राची की इस जर्नी से, क्योंकि इनकी जितनी दुख भरी दास्ता देखने को मिली है शायद ही ऐसी दास्ता किसी और की मिली होगी। यहाँ पर सभी लोगों को अफसोस भी है, और अफसोस के साथ साथ में सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका ये अब से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से चलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। गाइस थैंक यू सो मच।